खुशनसीब होते हैं वो लोग जो वतन पे मिट जाते हैं, मरकर भी वो लोग अमर हो जाते हैं। करता हूँ तुम्हें सलाम ए वतन पर मिटने वालों, तुम्हारी हर सांस में बसता तिरंगे का मान है। नमस्कार दोस्तों, राजस्थान झुंझुनू जिले के धुंडिया गांव के ग्रामीणों को जहाँ फक्र हो रहा था, वहीं उनके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। धुंडिया के लाडले सही जयसिंह बंगडावा की अंतिम विदाई में एकत्रित सभी लोगों की आंखें नम हो गई। करीब साल भर पहले देश सेवा करते हुए जान गंवाने वाले शहीद पिंटू बंगडावा के बड़े भाई जयसिंह ने भी देश सेवा में अपनी जान को कुर्बान कर दिया। दोनों भाइयों की शहादत पर अब गांव ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक मिसाल बन चुकी है, क्योंकि शहीद जयसिंह बंगडावा के बड़े भाई शहीद पिंटू का स्मारक बन रहा था जो अभी पूरा नहीं हुआ। बड़े बेटे के शहीद होने के बाद परिवार के लोगों ने फैसला किया कि अब दोनों भाइयों की मूर्तियां एक साथ ही स्मारक में लगाई जाएगी, जो संभवतः देश में पहली बार होगा कि जब दो भाइयों ने देश के लिए कुर्बानी दी। इससे पहले शहीद जयसिंह बंगडावा का शुक्रवार को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। शहीद जयसिंह की 6 साल की बेटी ने अपने पिता को मुखाग्नि दी। यह दृश्य देखकर हर कोई भावुक हो उठा। बता दें कि शुक्रवार को सुबह शहीद जयसिंह बंगडावा का पार्थिव देह गुड़ा पहुंचा। गुड़ा पहुंचने के बाद शहीद के पार्थिव शरीर को 4 किलोमीटर तिरंगा यात्रा के साथ उनके पैतृक गांव दूंडिया पहुंचाया। इस दौरान रास्ते में झुंझुनू के इस लाडले को अंतिम विदाई देने के लिए भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। दूंडिया गांव के विभिन्न मार्गों से होते हुए उनकी पार्थिव देह उनके पैतृक आवास पहुंची। जैसे उनकी पार्थिव देह उनके आवास पहुंची तो घर में मानो कोहराम मच गया। वीरांगना सोनू कुमारी बेशुद्ध हो गई। सामाजिक रस्मों रिवाजों के बाद उनकी पार्थिव देह को अंतिम स्थल पर ले जाया गया, जहां जयपुर से आई जाट बटालियन के 9 सदस्य की टुकड़ियों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। वहीं नायक सूबेदार बीजू जी ने शहीद के परिजनों को तिरंगा सौंपा। शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए कई गणमान्य नेता गणमान्य लोग पधारे थे। आपको बता दें कि दूंडिया गाँव के ताराचंद बंगडावा के 2 बेटे थे। इनमें से 11 महीने पहले छोटे बेटे पिंटू बंगडावा ने देश के लिए शहादत दी थी। 19 अक्टूबर की सुबह बेंगलोर की पैरा यूनिट में तैनात जयसिंह की अचानक तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद उन्हें सेना के अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने वीरगति पाई। पिता ने बताया कि उनके फ़ोन पर शहीद जयसिंह बंगडावा से जब अंतिम बार बात हुई थी तो उसने 22 अक्टूबर को गांव आने की बात कही थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनका बेटा 22 अक्टूबर से भी एक दिन पहले तिरंगे में लिपटे उनके पैतृक गांव पहुंचेगा। तो दोस्तों, मैं भगवान से यही दुआ करता हूँ कि वीर बलिदानी जयसिंह बंगडावा जी की आत्मा को भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे और इस दुख की घड़ी में उनके परिजनों को दुख सहन करने की क्षमता दे। जब तक सूरज चांद रहेंगे तब तक वीर बलिदानी आपका नाम रहेगा। आओ कसम खाएं उन वीरों की, उन बलिदानियों की, कि हम हर पल एक सच्चे भारतीय बनकर अपना फर्ज निभाएंगे। जरूरत पड़ी तो लहू का एक एक कतरा देकर इस धरती माँ का कर चुकाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अनदेखा ना करें। देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले उन वीर बलिदानियों के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अरे मैं तो मेरा सब सुब्रत न करूँ, मेरा वीर कैसा मत जा रहा है।
जवान।